नमस्कार, मैं हूं आनंद मिश्रा और आप देख रहे हैं एनवी न्यूज। भविष्य निधि घोटाले के विरोध में कर्मचारी और अभियंता दो दिन के हड़ताल पर चले गए हैं। कर्मचारियों ने दो दिन के कार बहिष्कार का ऐलान कल से कर दिया है। संघर्ष समिति ने जांच पर असंतोष व्यक्त करते हुए प्रदेश सरकार से पावर कारपोरेशन के पूर्व चेयरमैन और कई आईएएस अधिकारियों की गिरफ्तारी की मांग की है। इसके अलावा 15 दिन से सीबीआई जांच न होने के विरोध में भी नाराजगी जाहिर की है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के शक्ति भवन पर कल से कर्मचारी हड़ताल पर हैं। आइए दिखाते हैं आपको एनवी न्यूज के संवाददाता श्रवण शर्मा और कर्मचारियों की बातचीत। जीपीएफ घोटाले को लेकर जहां लखनऊ शहर में शक्ति भवन में तमाम बिजली कर्मचारी जो हैं वो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। 48 घंटे तक इन्होंने अपने कार्य का बहिष्कार करने के लिए कहा है और निष्पक्ष जांच की मांग की है। ऐसे में हम यहां पहुंचे हैं और कुछ लोगों से बात करेंगे और जानेंगे कि आज यहां जो धरना हो रहा है 48 घंटे का जो कार्य बहिष्कार है उसके पीछे का इनका उद्देश्य क्या है। तो सर बताइए, पूरा मामला अगर सीधे तौर पर कहा जाए तो कब से शुरू हुआ, कब आपके संज्ञान में आया? देखिए, पूरा मामला ये 10 जुलाई को प्रारंभ होता है। 12 जुलाई को एक रिपोर्ट मिलती है, एक गुमनामी पत्र मिलता है प्रशासन को, उस पर जाँच होती है और 29 या 28 अगस्त को हम कह सकते हैं पूरी रिपोर्ट आ जाती है, लेकिन फिर भी कोई कार्रवाई नहीं होती। और जब मामला मीडिया में 1-2 नवंबर में चलने लगता है तो तत्काल कुछ लोगों की गिरफ्तारी होती है, दो हमारे विभागीय अधिकारी उधर एक पूर्व MD की, लेकिन उसके बाद जाँच आगे नहीं बढ़ाई जा रही है और लगातार रोज ये कहा जा रहा है कि आपका पूरा पैसा सुरक्षित है और कहीं ना कहीं से वापस आएगा। कहीं ना कहीं बीजेपी जो है इस मुद्दे को कह रही है कि सपा के समय से ये शुरू हुआ, सपा कह रही है कि पूरी जिम्मेदार बीजेपी है, तो आप लोगों को क्या लगता है कि क्या सच है? नहीं देखिए, पहले तो हम लोग सरकारी कर्मचारी हैं, राजनीति से हमारा कोई भी लेना देना नहीं है। हम UPPCL के कर्मचारी हैं। हमारा ये मानना है कि हमारा जो भी पैसा है उसकी गारंटी सरकार ले ले, जैसे सन 2000 में एक बार पहले भी ली गई है, पैसे की सुरक्षा की गारंटी, ना कि पैसा की पेमेंट की गारंटी। भाई पैसे की गारंटी हो जाएगी हमारी और उसके बाद UPPCL अपना जो प्रयास कर रहा है पैसा वापस लाने में, आ गया तो बहुत बढ़िया बात है और नहीं आता है तो कम से कम हम गारंटेड रहेंगे ना कि हमारा पैसा सुरक्षित है। 48 घंटे तक आप लोगों ने कार्य का बहिष्कार किया, यहाँ पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, इन 48 घंटों में आज की डेट में कौन आपके पास आया, क्या कोई आला अधिकारी आया जिसने आश्वासन दिया हो, कुछ इस तरह की कोई बात हुई होगी? नहीं, अभी हमारे साथ किसी भी तरह की कोई बात नहीं हुई है और ना ही कोई आश्वासन मिला है हमें, मतलब किसी भी तरह की कोई आश्वासन की बात अभी तक नहीं कही गई। CBI जांच की मांग आप लोगों ने की, 15 दिन से ज्यादा हो गया अभी तक कुछ नहीं हुआ है, इस पर क्या? जैसा कि बताया जा रहा है कि CBI जांच हो रही है। यहाँ शक्ति भवन पर हम लोग बराबर डटे हुए हैं और हम लोगों का अभी 14 नवंबर को रैली भी हुई थी, उससे पूर्व भी बताया गया था कि CBI जांच हो रही है। हमें तो लग रहा है CBI अभी दिल्ली से चली नहीं है, और अगर CBI जांच हो रही है तो इतना लेट क्यों हो रही है? जो भी दोषी है, चाहे आलोक कुमार हो या अपर्णा यू हो या जो भी हो, उसको तत्काल प्रभाव से बर्खास्त करते हुए गिरफ्तारी की जाए और गिरफ्तारी के साथ साथ जो सजा एक आम आदमी को मिलती है वो सजा इन दोषियों को मिले। ये किसी ऐसे आदमी का पैसा नहीं है, हम कर्मचारियों के खून पसीने की कमाई का पैसा है जिसको हमने सरकार के पास सुरक्षित रखा था। आज उस गाली कमाई को इन लोगों ने, उस पैसे को इकबाल मिर्ची और DHFL जैसे लोगों को दे दिया। क्या ये सही फैसला था? हम तो चाहेंगे कि इनको तत्काल यहाँ से हटाने, एक बात और कहना चाहूँगा, इनको यहाँ से हटाने के बाद दूसरा विभाग में दे दिया। क्या सरकार की यह मंशा चल रही है कि इनको यहाँ जैसे लूट खसोट किया है, अब आगे वाले विभाग को भी लूट खसोट करेंगे? अगर इन 48 घंटों में कोई आश्वासन नहीं मिलता है, किसी निष्कर्ष पर सरकार नहीं पहुँचती है, तो आप लोगों का आगे का कदम क्या होगा? देखिए, आगे का क्या, हमारी संघर्ष समिति प्रतिदिन शाम को उस पर बैठती है और रणनीति आगे की तय होती है। कल की रणनीति आज तय होगी और कल जो भी होगा वो कल शाम को तय होगा और आप सभी मीडिया को तत्काल जो है प्रेषित किया जाएगा। कितने लोगों की संख्या है, आप लोग कहाँ कहाँ से आए हुए हैं? अभी लखनऊ से हैं, लखनऊ से बाहर से भी हैं, अभी ज़्यादातर यहाँ लखनऊ से काफ़ी लोग आए हुए हैं और जनपदों में अन्य जगहों पर प्रदर्शन चल रहा है और हम तो सरकार से यही कहेंगे कि हमारे पैसे की गारंटी ले और पूर्ण जिम्मेदारी ले कि ये पैसा हम वहाँ से नहीं मिलता तो हम इसको सरकार बैन करेगी। विकसित जी बताइए, इतने सारे लोग, आप सबसे युवा दिख रहे हैं, क्या आप बिजली विभाग के ही कर्मचारी हैं? जी हाँ। क्या नाम है आपका? वेद प्रकाश मिश्रा। तो इस पर आप क्या कहेंगे, आपकी क्या राय है?
देखिए जो हुआ उसकी जितनी निंदा की जाए उतनी कम है। ये कर्मचारियों की जो भविष्य निधि का पैसा होता है, उनकी मेहनत ईमानदारी की एक गाढ़ी कमाई का पैसा होता है, जो आने वाले निकट भविष्य को संवारने में उनका ये पैसा लगाया जाता है। और सरकार का हम ये नहीं कहेंगे कि ये काम किसने किया, कैसे किया, क्यों किया, जो हुआ हमारे साथ कितना बुरा हुआ इसको आप आंकिए। और हमारा पैसा जितनी जल्दी, जो हमारे अभी सीनियर दीपक चकवती जी ने भी बताया आपसे कि हम पैसे को वापस करने की इनसे गारंटी मांग रहे हैं, पैसा हम तत्काल पूरा इनसे नहीं मांग रहे हैं। और इसकी जो भी प्रक्रिया है दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दिलवाई। करीब कितने लोगों का पैसा देखा जाए तो एक संख्या होगी, कितने लोगों का पैसा एक तरह से फंसा हुआ है? 45,000 कर्मचारी जितने हैं सभी लोगों का पैसा फंसा हुआ है। ये एक जगह नहीं है, और भी जगह है, संविदा कर्मी भी हैं जिसमें उनका भी पैसा ठेकेदार द्वारा नहीं दिया जा रहा है। और मेरा तो ये मानना है कि मैं सरकार से यही चाहूँगा, योगी जी चूँकि इतने ईमानदार आदमी हैं, उनके कार्यकाल में अगर ऐसा हो रहा है तो गलत हो रहा है, वो उस पर तुरंत एक्शन लेके और संबंधित जो भी लोग हैं उनको बर्खास्त करें और गिरफ्तार करके उनको जेल भेजें। ये हम लोगों की पहली मांग है। हमारे पैसा को हमारे पैसे की जो है सिक्योरिटी अपने ले सरकार, कि हम इन कर्मचारियों का गरीब जो कमाई है इसको जमा करें और गारंटी ले कि हम देंगे। आपकी मांगों में जो है कुछ को जो मुख्य चीजें हैं वो क्या क्या है? हमारी तो यही मांगे हैं, पैसे की गारंटी, हमारा जो पैसा है वो पैसा हमारा टाइम से दिया जाए, और नहीं हो रहा तो सरकार इसकी गारंटी ले कि हाँ हम संपूर्ण गारंटी ले रहे हैं कि आपका जो भी पैसा है पाई पाई हम आपको लौटाएंगे। देखिए हम सब कर्मचारी हैं, कर्मचारी आंदोलन कर सकता है, संघर्ष कर सकता है, ये लेट सरकार कर रही है। आप मीडिया की तरफ से हैं, आप खुद इस चीज़ को देखिए कि मीडिया देख रहा है कि सरकार कह रही है कि हम इसकी जांच करेंगे, सीबीआई इंक्वायरी करेंगे, सीबीआई इंक्वायरी नहीं कर रही है, सरकार कह रही है हम पैसा वापस करेंगे, सरकार से कर्मचारी कह रहे हैं कि आप पैसा मत वापस करिए, कम से कम इतना वादा करिए, लिख कर दीजिए, गजट जारी करिए कि कर्मचारियों का पैसा कहीं डूबेगा नहीं, एक एक पाई उसको जो है हम समय आने पर उसको अदा करेंगे। कर्मचारी और तो कुछ नहीं चाह रहा, कर्मचारी की गाड़ी कमाई का पैसा है वो अपने वेतन से कटवाता है, वो कहीं दूसरी जगह से नहीं लाता है, और बूंद बूंद से भर करके, बूंद बूंद से जो है छोटी छोटी धनराशि कटा करके वो अपने पूरे जीवन में ये सोचता है कि हम आखिरी क्षण में अपनी बेटी की शादी करेंगे, हम इससे घर बनवाएंगे, हम अपने बूढ़े माँ बाप की सेवा करेंगे, लेकिन उसके सब सपने जो साकार होने वाले थे वो धरे के धरे रह गए। इन परिस्थितियों में हमारा तो मीडिया से भी आग्रह है कि कम से कम वो दुनिया को बताएं, प्रदेश को बताएं, लोगों को बताएं कि ये जो सरकार 0% टॉलरेंस की सरकार है वो आखिर क्या कर रही है, ना जांच कर रही है, ना निर्णय दे रही है, ना कर्मचारियों को लिख करके वादा कर रही है, तो आखिर इन परिस्थितियों में आंदोलन के सिवाय कर्मचारियों के पास और कौन सा रास्ता है? तो कहीं ना कहीं से जो बिजली कर्मचारी उनके अंदर आक्रोश है और सरकार से उनकी शिकायत भी है और उनकी मांग भी है कि निष्पक्ष जांच कराई जाए। कैमरामैन आकाश के साथ मैं श्रीमान शर्मा, लखनऊ। देश विदेश से लेकर आसपास की सभी बड़ी खबरों को सबसे पहले देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए न्यूज़ & व्यूज़ को।